अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, के उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और जैसा कि आज मदर्स डे है, उसी से रिलेटेड हमने ये प्रोग्राम्स तरतीब दिए हैं। और आज की जो हमारी गेस्ट हैं, उनका नाम है, नाम क्या है, सादिया नौशीन। और वो जो हैं, माशाल्लाह से आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, काफी यानी एक्टिव हैं, राहीन फातिमा, तो वो अमी। और जैसा कि हमारा प्रोग्राम है मदर्स स्पेशल, मदर्स डे के हवाले से, तो आइए हम अपने खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बहन आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। जी, प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं, जैसा कि आज मदर्स डे है, आपकी शान में, अपनी अम्मी की शान में और सब माओं की शान में एक बात कहना चाहूंगा कि माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा, जिसके पैरों के नीचे जन्नत है उसके सर का मकाम क्या होगा। बिल्कुल तो अभी आपके, यानी हमें थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन करवाएंगी अपना? बिल्कुल। मेरा नाम सादिया है, मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ। आई एम अ हाउस वाइफ, दो बच्चे हैं मेरे, राहीन और इब्राहिम, माशाल्लाह, एंड आई एम अ प्राउड मदर जस्ट बिकॉज ऑफ राहीन। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत प्यारी बात बोली। वाकई यानी इट्स अ ड्रीम है। और जैसा कि आपने कहा कि बच्चे जो है ना, वो अपनी माँ के लिए बिल्कुल आँख का तारा होते हैं, शायद उससे भी ज्यादा होते हैं। तो बिल्कुल सही फरमाया। और वाकई माशाल्लाह, जैसी राहीन है, यानी इनको तो, आपको तो फिर डबल प्राउड करना चाहिए, क्योंकि माशाल्लाह बिल्कुल इन्होंने जितनी धूम मचाई हुई है सोशल मीडिया बिल्कुल पे। मेरी बहन, मैं ये जानना चाहूंगा कि यानी थोड़ा सा ना, आप अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करें, आपकी यानी मम्मी का आपके साथ, यानी कैसी थी आपकी अम्मी वगैरह। जैसे मेरा राहीन के साथ बिल्कुल दोस्ती वाला एक रिलेशनशिप है, बहुत ज्यादा दोस्ती। मैं कहती हूँ मैं ही अपनी बेटी की बेस्ट फ्रेंड हूँ। बिल्कुल इसी तरह मेरी अम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी अगर मुझे कोई बोले कि मेरी बेस्ट फ्रेंड कौन थी तो वो मेरी अम्मी थी। और बहुत ही बहुत, जी, मुझे यही है कि जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया, तहजीब, तमीज, रख रिखाव, नेकी करना, माफ करना, वो मैं अपनी बेटी को जरूर सिखाऊंगी। बहुत बहुत ही बेहतरीन बात आपने बताई कि बिल्कुल यही एक कहते हैं ना कि माँ जो है ना, वो सिर्फ एक बच्चे नहीं पालती, पूरी एक नस्लें तैयार करती है। ठीक है, बिल्कुल बहुत प्यारी बात बोली। और अब जब माशाल्लाह माशाल्लाह आपके पास राहीन है, तो माशाल्लाह राहीन को देखते हुए काफी लोग यानी चाहते हैं या पूछते हैं कि हमारे बच्चे भी काश इतने कॉन्फिडेंट हो, या वो कौन सी, वो आप आसान लफ्जों में बोलूं, वो कौन सा फॉर्मूला है जो आपने इसको पिलाया है कि माशाल्लाह। राहीन को जब ये बहुत छोटी थी, जी जी सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस सही, कॉन्फिडेंस जरूर देना चाहिए बच्चे को। और बच्चों के राहीन जब छोटी थी तो ये सवाल बहुत करती थी, अब भी वैसे बहुत ज्यादा करती हैं, अब तो बहुत ही ज्यादा करती हैं, तब भी बहुत ज्यादा करती थी। हम जब छोटे थे हम सवाल करते थे, हमें उनके जवाब नहीं मिलते थे, चुप करा दिया जाता था। लेकिन राहीन जब सवाल पूछती थी तो हम हर सवाल का कोशिश करते थे जवाब दें। कॉन्फिडेंस होगा, बच्चा इतना क्लोज होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस होगा बच्चे में तो वो बोल सकेगा।
बिल्कुल बिल्कुल मेरी बहन, आपने बिल्कुल सही कहा कि वाकई यानी बच्चों के साथ ऐसा दोस्ताना माहौल होना चाहिए कि वो आपके साथ हर बात आके शेयर करें, उनको कोई डर खौफ नहीं होना चाहिए, उस पे इतना भरोसा होना चाहिए कि वो आपको आके अपनी माँ बाप को आके हर बात बताए। तो आप ये बताएं कि आपको जब माशाल्लाह राहीन तो समझे कि आपके पल पल में आपके साथ हैं, तो वो आपको कब पता चला कि यानी माशाल्लाह ये इतने सवाल पूछ रही है और ये आगे माशाल्लाह बढ़ रही है, तो कोई ऐसी चीज इसकी बताइए जब आपको ये लगा हो कि माशाल्लाह शी इज वेरी इंटेलिजेंट। राहीन जब 3 साल की थी तो 2.5 ईयर में इसको मॉन्टेसरी का जो जूनियर मॉन्टेसरी का सिलेबस सारा इसको स्कूल का वो आता था, लिखती थी प्रॉपर, पेंटिंग करती थी, पेंटिंग मेरे पास टाइम जैसे कि बहुत था, अकेली रहती थी मैं तो मैं इसके साथ काफी पेंटिंग करना, या राहीन के बाबा ने बहुत ज्यादा इसको टाइम दिया, बहुत ज्यादा। सही। और ये जब सवाल करती थी तो बच्चे का माँ बाप को शुरू से ही पता चल जाता है, ये हम होते हैं जो देर कर देते हैं, वरना बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं और हमसे 2 कदम आगे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। तो आप कोई ऐसी बात बताएं कि यानी इसने आपसे कभी इतने सवाल किए हो और आप तो थोड़ा सा कभी इंसान है ना गुस्सा भी आ जाता है, तो उस पर आप बहुत ज्यादा जब सवाल करती थी गुस्सा तो आता था जब फजूल सवाल करती थी, लेकिन फजूल सवालों के भी जवाब देने पड़ते हैं आपको। और रही ये बात कि राहीन के बचपन में, तो राहीन अपने बचपन में शरारतें भी करती थी, एक टाइम ऐसा भी था जब राहीन की ज्यादा ट्यूनिंग भी होती थी। बिल्कुल देखें ट्यूनिंग के बगैर तो कोई भी चीज यानी सही से परफेक्ट नहीं बनती। अब जैसे गाड़ी है, गाड़ी की ट्यूनिंग ना हो तो वो खराब हो जाती, हमारे सिस्टम है उसकी, इसी तरीके इंसान की भी ट्यूनिंग थोड़ी जरूरी है। बिल्कुल, ये हर बच्चे की एक रिक्वायरमेंट है जब वो छोटा होता है, अभी तो है माशाल्लाह बड़ी हो गई है, लेकिन 6 साल तक लाजमी। बिल्कुल ऐसे मशवरे देंगे लोग क्या, मतलब बच्चे आके मुझे कहेंगे कि आप मुश्किल में डाल दिए मुझे। नहीं, मुश्किल की बात नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो आजकल यही सुनने में आता है कि अगर जैसे मेरे पिछले प्रोग्राम से कुछ यानी हुआ था कि वो कह रही थी कि अब ये यानी ट्रेंड चल रहा है कि बच्चों को ज्यादा यानी ना डांटो ना बोलो कि वो कॉन्फिडेंस लो कर देते हैं। तो अब माशाल्लाह देखें कि आपको यानी मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अगर इतना आके प्रोग्राम्स वगैरह कर रहा हूँ ये वो, तो मेरी भी अम्मी अबू ने सही से ट्यूनिंग की है तो आज यहाँ पे पहुंचा हुआ या इतना कॉन्फिडेंट मुझ में है कि मैं बात कर पा रहा हूँ, इसे शोज कर रहा हूँ। तो बिल्कुल आप इसके बारे में बताएंगी कि क्या है यानी जो आजकल सोच रही है हमारी जनरेशन या माए जो कहती हैं कि बच्चों को ज्यादा नहीं डांटो। मेरे ख्याल में ये तो गलत बात है कि अगर हम डांटेंगे नहीं, उनको सिखाएंगे नहीं, उनको समझाएंगे नहीं, पहली बात है हम बच्चों के सवालात दबा देते हैं, वो हाइपर हो जाते हैं, या कुछ बच्चे इतने माशाल्लाह इंटेलिजेंट होते हैं कि उनकी पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता, वो अपने सर्कल में बिजी होते हैं। अब बीइंग अ मदर मेरा कोई सर्कल नहीं है, मैंने यहाँ पे एयरफोर्स में जैसे मेरे हस्बैंड है तो बिल्कुल कोई लेडीज क्लब ज्वाइन नहीं किया सिर्फ इन बच्चों के लिए। सही। तो ये कि ये बच्चों को कॉन्फिडेंस या बच्चों को कुछ बनाने के लिए आपको अपने ख्वाहिशात और अपनी बहुत सारी चीजें मारनी पड़ती हैं। बहुत प्यारी बात। बिल्कुल बिल्कुल आपने। और दूसरा देखे ना कि जब औलाद होती है ना तो आपको यानी उनके कदमों तक आना पड़ता है, बराबर आना पड़ता है, तब ही जाके यानी उनके दिल की बात और आपके दिल की बात एक दूसरे तक पहुंचती है। तो आप ठीक है, अब ये माशाल्लाह जितना ये छुप करके बैठी हुई है इसके लिए तो बहुत बड़ा इम्तिहान है आज, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और देखें माशाल्लाह आप तो इसकी काफी अच्छी बातें हो गई, अब इसकी कोई ऐसी शरारत बताएं जिससे यानी आपको ना आपको पसंद ना हो।
इज्जत रख लेगा, मैंने पहले भी कहा था। जब भी कुकिंग करने की कोशिश करती है तो बस वो पूरा किचन बिखरा होता है, एंड पे बनता कुछ भी नहीं है। या वो चीज जल जाती है या कटिंग में ही खराब हो जाती है। सही, तो चलें इंशाल्लाह ऐसा ऐसा ये भी सीख जाएगी, क्योंकि इंसान बिल्कुल जब शुरू शुरू में कोई भी काम शुरुआत करता है, जैसे बच्चा है, अगर वो अपने पाँव पे खड़ा होना चाहता है तो पहले वो गिरता ज्यादा है, खड़ा कम होता है, तो इसका भी ऐसा ही है। और दूसरा ये, यानी आप बताएं कि यानी माशाल्लाह जब आपके यानी सपोज पहले राहीन थी, ठीक है, फिर माशाल्लाह से इब्राहिम आया, तो आपने कोई चेंजेस वगैरह कोई देखी राहीन में जब इब्राहिम आया? बिल्कुल। इब्राहिम राहीन से 7.5 ईयर छोटा है। राहीन अच्छा कभी भी इग्नोर नहीं हुई। राहीन ने हमारा बहुत सारा टाइम, क्वालिटी टाइम लिया। सही, अच्छा इसकी ग्रूमिंग में क्वालिटी टाइम था। और इब्राहिम जब आया तो इन्होंने एक्सेप्ट जरा मुश्किल से ही किया। सही, और राहीन जो है फिर भी वो वही बात कि छोटे बच्चे को तो पता नहीं होता कि उस वो इग्नोर हो रहा है, लेकिन इसको फिर भी हमने इग्नोर नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं इसी से रिलेटेड आपसे एक बात शेयर करता हुआ चलूंगा कि जब मेरे भी खैर हुए थे बच्चे, तो दूसरा जब बच्चा हुआ था तो बड़ा वाला ना उसे मार के ना भाग जाता था, तो राहीन ने कभी ऐसा कुछ किया? किया था बहुत दफा, बहुत दफा। तो फिर बीइंग एज अ मदर आपने कैसे उस चीज को हैंडल किया? प्यार से टैकल किया, क्योंकि राहीन जहरी बातें बड़ी थी और राहीन की बातें भी अपने से बहुत बड़ी थी। वो अंडरस्टैंडिंग बहुत, यानी राहीन शुरू से मेच्योर बिहेव करती थी बहुत। तो भाई के साथ जरा अभी भी एडजस्ट करने में, इसको होने में मुश्किल होती है, शेयर नहीं उस तरह से कर पाती। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी हमारे पास कुछ कमेंट भी आते जा रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उनको भी लाइव में ऐड करता हुआ चलूं। और ये अरीशा बुखारी कह रही हैं ऑसम, बिलाल कह रहे हैं वेरी नाइस, और मोहम्मद रुस्तम कह रहे हैं कि नाइस सेशन फॉर पेरेंट्स, थैंक यू वेरी मच, गुड वर्क। और मैवे सुल्ताना कह रही हैं ऑसम, हर टैलेंट इज नॉट इन द किचन बट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, एज द यंग जनरेशन इज अमेजिंग। बिल्कुल बिल्कुल। और देखें आज का हमारा जो मकसद था ना, वो यही था कि देखें माशाल्लाह जैसे राहीन एक लाइक सुपर किड जानी जा रही हैं, तो असल में इस प्रोग्राम करने का मकसद ही ये था कि ये जो प्रोडक्ट है उसका कारीगर कौन है, ठीक है? तो देखें अब जैसे मैं हूं, मैं भी ऐसे समझे कि अपनी माँ की प्रोडक्ट हूँ, उन्होंने ही मुझे आज जो, यानी कहते हैं ना कि आप स्कूल में इतना नहीं सीख पाते जितना सबसे ज्यादा आप घर से सीखते हो, तो बिल्कुल माशाल्लाह इसके सामने जो भी चीजें आ रही हैं या हम शोज वगैरह में देखते रहते हैं, तो स्कूल से ये बिल्कुल सीखी होगी, लेकिन सबसे ज्यादा सपोर्ट जो होती है वालदैन की होती है। और जैसे आपने कहा कि माशाल्लाह आप तो इसकी दोस्तों के साथ हैं, तो और दूसरा आप यानी जैसे कुछ अपने एक्सपीरियंसेस बीइंग एज अ मदर शेयर करें, या कौन से चैलेंजेस आपको आए थे अपनी लाइफ में जब आप खैर से मदर बनी थी? 2006 में मेरी शादी हुई। 2007 में राहीन पैदा हुई। राहीन पिशावर में पैदा हुई। सही और जैसे कि मैं इन-लॉज के साथ नहीं रहती थी, अकेली रहती थी, तो राहीन वी वर न्यू पेरेंट्स, हमें पता नहीं चलता था राहीन को कि कैसे हैंडल करना है। तो हम शुरू ही से इसके से बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़े बड़े फ्यूचर प्लान्स। राहीन बड़े होके लीडर बनेंगी। राहीन के बाबा एक ही बात करते थे, राहीन इज द बेस्ट, राहीन इज नंबर वन। अभी तक वो इसको यही कहते हैं, राहीन इज द बेस्ट, राहीन इज नंबर वन, यू आर अ लीडर। तो वो बच्चे को जब हम शुरू से कहते हैं तो वो लीडर बन के दिखाता है। फिर बिल्कुल बिल्कुल उसके बाद जब ये 3 ईयर्स की हुई, हमारी डिफरेंट डिफरेंट पोस्टिंग्स हुई, उसके बाद जब हम रिसालपुर आए तो इसकी स्कूलिंग स्टार्ट हो गई। मेरा ये होता था कि हर गेम्स, हर प्रोग्राम में राहीन पार्टिसिपेट करें, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, कॉन्फिडेंस आए।
आप कर सकती हैं, आप कर सकती हैं। उसके बाद लाइब्रेरी की मेंबरशिप लेके दी, उसको पढ़ना तो नहीं आती थी बुक्स, लेकिन ये पूछती रहती थी मैं मोटी मोटी बुक्स कब पढ़ूंगी। तो हम कहते थे लाइब्रेरी से जो कार्ड बुक्स होती हैं वो लेके आए और उनको पढ़ें, सिर्फ पिक्चर्स देखें और बस इसको पता हो कि रिकग्नाइज करें पिक्चर्स को, सिर्फ इसलिए कि बच्चे में कॉन्फिडेंस हो, बच्चा बोल सके और बहुत कुछ सीखे। मुझे ये लगता है कि आपको बच्चे की ग्रूमिंग में खुद रोल मॉडल बनना पड़ता है, बेहतरीन खुद रोल मॉडल बन। अगर मैं एक अच्छी होस्ट हूँ तो मेरी बेटी भी एक अच्छी होस्ट बनेगी, मैं एक अच्छी पेरेंट हूँ, मैं अगर किसी की रिस्पेक्ट करूंगी तो राहीन भी ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करेंगी, मैं अगर नेकी करूंगी और इसको बताऊंगी कि ये नेकी है और आपने करनी है तो वो भी करेगी। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात जो मुझे ऐसे लगता है मैंने फेस की, माफ करना। हम कहते हैं नहीं नहीं उसने बुरा किया, हम माफ नहीं करना उसको। तो मैं हमेशा कहती हूँ कोई बुरा भी कर जाए ना तो बेटा माफ सबसे पहले, सॉरी आप कर दो। बिल्कुल, बहुत ही प्यारी बात। ये यही वो चीजें है ना कि जो हम अपने बच्चों को बताएंगे वो आगे इस चीज को लेके चलेंगे, बेहतर यानी जिंदगी गुजारेंगे और वो चीजें अपनी जिंदगियों में लेकर आएंगे। बिल्कुल मेरी बहन, आपने बहुत प्यारी बात बोली। और फिर मुझे एक बात याद आ रही है कि खूबसूरती की इंतहा देखी, खूबसूरती की इंतहा देखी, जब भी मुस्कुराते हुए मैंने अपनी माँ देखी। बेशक बेशक, बिल्कुल ठीक बात की। राहीन जब 3 क्लास में थी, राहीन ने नेल आर्ट सीखा, नेट से सीखा, सही, और हमने इसकी कभी भी किसी चीज पे नो नहीं किया। सही, ज्यादा से ज्यादा चीजें खराब होंगी लेकिन लर्निंग तो होगी। बिल्कुल, फिर इनके बाबा का कोर्स आया थाईलैंड का, हम थाईलैंड चले गए, वहां पे राहीन ने एक एक्सपीरियंस किया किड जीनिया का, वो राहीन ही बता सकती है कि वो कैसा था। अच्छा, तो बहुत बहुत मजे का एक्सपीरियंस था, क्योंकि थाईलैंड में आई थिंक मैंने एक फॉरेन कंट्री में पहली दफा गई और मुझे बहुत सारी चीजें देखने को मिली। लेकिन अगर किड जीनिया का देखे तो वो मैं बाबा के साथ गई थी और मामा से शॉपिंग करने के लिए गई थी। लेकिन जब किड जीनिया हम लोग गए थे तो किड्जेनिया का ये था कि किड्जेनिया की स्पेशल चीज ये है कि वहां पे इस तरह के शॉर्ट फन गेम्स होती हैं जो हर प्रोफेशन के साथ होती हैं। आपको एट अ टाइम एक कॉमेडियन, एक एक्ट्रेस, एक सुपरस्टार, एक डॉक्टर, सर्जन, ये सारी चीजें बनने को मिलता है। आप यहाँ पे जाते हो, यू हैव किड्जेनिया वर्ल्ड मनी और यू डू दैट। वो बहुत मजे का था बिकॉज आई लर्न कि भाई मैंने डेंटिस्ट नहीं बनना, मैं किसी के मुंह में नहीं झांक सकती, मैंने सर्जन नहीं बनना, नो आई कैन नॉट डू एन अपेंडिक्स और समथिंग। तो वो सारी चीजें यू नो आई थिंक आई लर्न कि भाई इस प्रोफेशन में क्या होता है। और आई थिंक द अदर थिंग आई लर्न वाज हलाल एंड हराम इन थाईलैंड, बिकॉज हम मामा और बाबा देख रहे होते थे कि हलाल हराम कहाँ जगह है, बिकॉज वी वर ईटिंग एट अ बंगाली प्लेस, लेकिन फिर भी तो फिर चेक करना होता था। और सबसे ज्यादा चीज जो मेरे हाथ से मैंने फेस की थी वॉज के उधर जब लाइट जो वॉक करने के लिए जो थे उनके लिए जब होता था तो नो कार यूज टू हॉन्क और मूव, लेकिन जब मैं यहाँ पर आई मैंने कहा बाबा यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, बट ही वुड बी लाइक यहाँ पे भी आ जाएगा बेटा आहिस्ता आहिस्ता, बिकॉज आई थिंक इट वॉज अनदर कंट्री अनदर कल्चर। तो आई थिंक आई लर्न अ लॉट, बस मैं फिर बिल्कुल लाडली बेटी थी तो फिर तो ज्यादा मजा आया। बिल्कुल, चले बहुत अच्छी बात हुई। तो मैं फिर दोबारा अपनी बहन पूछने लगूंगा कि कोई अपना अपने बचपन का आपकी अम्मी के साथ कोई ऐसा वाक्य जो आपको अभी तक याद हो वो आप काइंडली अगर शेयर करें। अपने बचपन के काफी वाक्य, मैं क्योंकि सबसे छोटी थी तो लाडली थी, बस लाड में गुजर गया बचपन। सही, बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, माशाल्लाह। और ये कह रहे हैं उमर रेहान है, ब्रेव गर्ल ऑफ सोशल मीडिया, माशाल्लाह। मॉम एंड डॉटर बोथ आर लव यू, हिना खान।
ये बलोच राहीन इज ब्लेस्ड, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मेरी बहन देखें, ये आपकी मेहनत है जिसका ये देखें आज यानी लोग माशाल्लाह इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल ये वालदैन के लिए बहुत ही फखर की बात होती है। और जैसे कि आज माशाल्लाह मदर्स डे है, और मैं आपको एक मरतबा दोबारा शुक्रिया करूंगा कि आप आई, क्योंकि वो लोग यानी यही समझते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह रहीन 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 हर जगह रहीन माशाल्लाह, ये जैसे छाई हुई है। अल्लाह ताला इसको हमेशा ऐसे ही खुश रखे। तो आमीन अब कोई अब देखें, हर बच्चा यानी बच्चा भी बहुत शरारती था, ठीक है, तो कोई इसकी ऐसी शरारत बताएं। तो इसकी ऐसी शरारत। मैं आपको राहीन, आपने मेरी कभी बहन, ऐसे सुना होगा कि कभी किसी बच्चे को शॉपिंग मॉल या मार्केट्स जाना पसंद ना हो? ये हमेशा रोती थी, मैंने नहीं जाना, मैं घर रुकूंगी, आप जाएं। अभी भी ऐसी है। अच्छा इस चीज पे बस ये थोड़ा तंग करती है कि मुझे मॉल नहीं जाना, मुझे शॉपिंग नहीं करनी, मैंने कुछ नहीं लेना, मार्केट्स नहीं जाना। तो आपको शौक है जी जाने जी मुझे बहुत शौक का? है। और और जी लेकिन राहीन ने जब राइटिंग स्टार्ट की, उसकी भी पीछे एक बड़ी स्टोरी है कि जी बिल्कुल इब्राहिम जब 2 इयर्स के थे तो उनको ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ, और जी मैं हॉस्पिटल रही 3 3 मंथ्स। सही राहीन पहली दफा मुझसे अलग हुई और अपनी दादी के घर पे रही। तो सही वो जो टाइम था कि जब ये मेरे पास आती थी और रोती थी कि मैं क्या करूं, या मैं बोर होती हूँ, या क्योंकि इसका कोई एज फेलो नहीं था, अकेली थी, तो वो तब इसने छोटी छोटी पोइम्स लिखनी इब्राहिम के लिए, स्टोरीज लिखनी, स्टोरी बुक बनाई, एक स्टोरी लिखनी रोज की। तो वो जैसे मैंने वो इब्राहिम की एक बीमारी को सफर किया, जी तो जी साथ में राहीन एक ऐसा बच्चा था जिससे मुझे खुशी भी होती थी कि चलें कुछ ना कुछ कर रही है, पॉजिटिव सेंस में कि अकेली है। तो जब आपका बच्चा बहुत तेज होता है, कॉन्फिडेंट होता है, और फिर डर भी होता है कि कोई उसको मॉनिटर करने वाला नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह के अच्छी गाइडेंस के साथ ये इसने राइटिंग स्टार्ट की थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसा कि आपने बताया, मैं एक दर्द ये वाला समझ सकता हूँ कि जब कोई यानी बच्चे को ऐसी कोई बीमारी हो जाए, और यानी उस वक्त फैमिली काफी सफर कर रही होती है, भाई बहन जो भी इमीडिएट आपके रिलेशंस में होते हैं वो काफी दर्द से गुजर होते हैं। इस चीज को मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ये ऐसा ही कुछ वाकया, बेटे को भी यही डायग्नोज हुई थी ऑप्टिकल ग्लियोमा। तो मैंने और मेरी वाइफ ने, मेरी पूरी फैमिली ने, तब तक उसकी कीमो होती रही। तो मैं बिल्कुल समझ, एक माँ पे या एक बाप पे क्या गुजरती है। बिल्कुल जफर भाई, ये वो ही जानता है जिसपे वो टाइम गुजरा होता है। बिल्कुल बिल्कुल और अब जैसे वो रिकवरी स्टेज पे है, तो राहीन ने जैसे लास्ट ईयर से ओपन माइक स्टार्ट की सही और एंटरप्रेन्योर और ये सारी चीजें, तो वो सारा डिपार्टमेंट अब इसके बाबा का हो गया कि राहीन को अब देखना घर मेरे पे और बाहर के जितने भी हैं वो बाबा पे, अच्छा क्योंकि ये मैं अपना आप सारा टाइम कोशिश करती हूँ कि इब्राहिम को दूँ, क्योंकि अब वो छोटा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली। अब जैसे आपने एक चीज बताई, मैं इसी से रिलेटेड कहना चाहूंगा कि आसाइशों की गोद में हासिल नहीं हुआ, पाया था जो सुकून कभी माँ की गोद में। बिल्कुल। तो और दूसरा, अभी जैसे आपने कहा कि एंटरप्रेन्योर, अब इस उम्र में ही ऐसे समझे कि राहीन एंटरप्रेन्योर, बी योर ओन बॉस, और यानी वो कहते हैं ना कि अपने यानी माशाल्लाह कारोबार की खुद मालकिन। तो आप जब इसने ये कब बात बोली, और उस पे आपका क्या रिस्पॉन्स था, बीइंग एज अ मदर एज अ पेरेंट? मुझे खुशी होती थी कि इतना माशाल्लाह इसमें कॉन्फिडेंस है कि ये ऐसी बात कर रही है और हमसे शेयर कर रही है,
जैसे हम झील सैफुल मलूक पे गए और वहां पे इसने वो शॉपिंग बैग्स देखे काफी ज्यादा, सही गन देखा जैसे वो बॉटल्स और बैग शॉपिंग बैग गिरे हुए थे, और उसने कहा बिल्कुल कि नेचर को खराब कर रही है ये चीजें। तो मामा अगर लोग ये नहीं यूज करेंगे तो अगर लोग बैग्स जो कॉटन बैग्स होते हैं जो थैला होता है वो यूज बिल्कुल कर लें तो ये गंदगी ना हो। तो ऐसी छोटी छोटी बातें ये करती रहती थी आइडियाज। और मेरे हस्बैंड जैसे ही घर आते थे, जब ये 5th क्लास में थी तब से रेगुलर आज तक, आज मेरे बेटे को कौन सा नया आइडिया आया। तो ऐसे ऐसे आइडियाज निकाल के कि ऐसे नहीं होना चाहिए तो ऐसे होना चाहिए, या मुझे नई चीज क्रिएट करनी चाहिए, तो ये जरूर पूछते थे कि नए आइडियाज आए बच्चे को। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये यही बात बोली कि आप, यानी जब आपके बच्चे बढ़ रहे होते हैं तो आप उनके सामने पॉजिटिव बातें बोलें, ऐसे ऐसी चीजें उनसे पूछें ताकि वो एक्सप्लोरर बने, ठीक है। और जब वो आपको बात अगर कोई बता रहे हैं, आप उनकी सपोर्ट करें, उसको अप्रिशिएट करें और हंसी खुशी उसके साथ, यानी उसका साथ दें, तो फिर उसका यानी कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो बढ़ेगा नहीं बल्कि छत फाड़ के बाहर आ जाएगा। जी जी बिल्कुल। तो फिर आपने फिर ऐसा ऐसा इसको उस यानी बिजनेस सेटअप करने में किस तरीके से सपोर्ट की, क्या सपोर्ट की? मैंने कहा ना, मैं इसको जो ये कहती है ना कि मुझे ये करना है, या मैंने ये कर रही हूँ, या मैं इनक्यूबेट हो गई हूँ, या मेरा ये आइडिया है, तो हर बात पे जी है, हाँ है। जो बेहतरीन आप बेहतरीन, कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक कर रही हैं, क्योंकि आपने दूसरों की हेल्प करनी है। और सही जब मैं अक्सर राहीन से कहती हूँ कि अल्लाह ने हमसे एक ही सवाल करना है कि क्या किया दुनिया में, क्या किया। तो आप जितनी मर्जी तरक्की कर जाएं, आपने बताना है कि आपने दूसरे लोगों के लिए क्या किया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही प्यारी बात तो बोली ये आप चीज जी मेरी बहन। अभी यानी हमारा प्रोग्राम यानी अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो आखिर में मेरे यानी एक सवाल है, उसके बाद फिर मैं आपसे आखिरी मैसेज भी लूंगा, ऐसे समझ लो वो मैसेज भी। यानी माशाल्लाह देखें, आपने यानी वो पुराना अपना दौर भी देखा अपनी मदर के साथ, ठीक है, फिर 90s का अलग दौर था, ठीक है, आज की यानी जनरेशन भी आप देख रही हैं किस तरह यानी डिजिटल वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है। मैंने बहुत कोशिश की कि अपनी अम्मी को लाइव ला सकूं, लेकिन वो यानी पहले तो बहुत शर्मा रही थी, फिर राजी हुई तो इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि शुक्र है आज मैं नहीं आई, बस जान छूट गई मेरी। तो आप यानी क्या मैसेज देना चाहेंगी या क्या कहना चाहेंगे, आपका कैसा एक्सपीरियंस यानी अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, क्योंकि आपने भी उस दौर में गुजारा जब इंटरनेट वगैरह शायद मेरे ख्याल से नहीं था इतना, ठीक है, और आज के बच्चे आप बीइंग एज अ मदर देख रही हैं, तो आप यानी मदर्स के लिए क्या मैसेज देंगी जो अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग वगैरह में उनको सपोर्ट हो सके? मैं सारी मदर्स को यही मैसेज दूंगी कि अपने बच्चे को टाइम दें, बेटी हो या बेटा, सही और क्वालिटी टाइम दें, और बच्चों के सवालात को खत्म मत करें, सही उनके हर सवाल का जवाब दें, उनको टाइम मैनेजमेंट करना सिखाएं, और उनके सबसे बड़े खुद दोस्त बने, बेहतरीन इतने अच्छे दोस्त के वो आपसे हर बात कर लें। सही, मैं यही कहना चाहूंगी इन मदर्स को। बहुत बहुत ही प्यारी बात बोली आपने, और बस इसी के साथ हमारा यानी खत्म होने प्यारा है। और लास्ट में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, जैसा कि आज मदर्स डे है, मदर्स से ही रिलेटेड हमने प्रोग्राम्स अरेंज किए हैं, और अभी हमारे साथ राहीन को, जिसको माशाल्लाह सोशल मीडिया इस वक्त सुपरस्टार सुपर किड कहा जा रहा है, उनकी अम्मी आई थी, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। वो इसलिए ज़रूरी था कि काफ़ी लोग माशाल्लाह जब सुपर किड या सुपर स्टार को देखते हैं तो वो उनकी ख्वाहिश ये होती है कि यार हमारे बच्चे भी काश इस तरीके से कॉन्फिडेंस हो,
तो हमें आज हमने एक छोटी सी कोशिश की थी, और एक मरतबा दोबारा मैं अपनी बहन सादिया को शुक्रिया अदा करूंगा कि वो हिम्मत करके आई और उन्होंने आज हमें अपने एक्सपीरियंस बताया कि उन्होंने राहीन को कैसे ट्रेन किया, कैसे उसकी अपब्रिंगिंग की। और आखिर में सिर्फ मैं अपनी माँ के लिहाज से एक बात कहना चाहूँगा कि नींद अपनी भुला कर सुलाया हमको, आंसू अपने गिरा कर हंसाया हमको, दर्द कभी ना देना उन हस्तियों को, अल्लाह ने माँ बाप बनाया जिसको। चले अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।